आज हम बात करेंगे जनन अध्याय से नर जनन अंग के बारे में। जो ये नर जनन अंग का हम जो है ये फिगर बनाए हुए हैं, जिसमें ये हो गया मूत्राशय, ये भाग जो है ये मूत्राशय का भाग है, ये जो है ये शुक्राशय है, और ये हाथ जो ये भाग है इसको मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं, और ये जो है इस भाग को शुक्रा मतलब शुक्रवाहक कहते हैं, और ये जो है ये अधिवृषण होते हैं, जो लिंग के पास ये पाए जाते हैं अधिवृषण, और इस भाग को जो है वृष कोष कहते हैं, और उसमें जो ये जो रहता है अधिवृषण के अंदर इसको वृषण कहा जाता है, और इस मार्ग को जो है ये मूत्र मार्ग कहते हैं, इस मार्ग को मूत्र मार्ग कहते हैं, जो यहाँ पर जो है बनते हैं, और इस मार्ग से होते हुए जो है यहाँ से बाहर निकलने लगता है, और ये जो है शिश्न मुंड, इस भाग को जो है शिश्न मुंड कहते हैं, ये हो गया जो मुंड छद हो गया, ये जो है लिंग का जो है ये ऑप्शन है लिंग है, जिसलिए जो है यहाँ पर इस भाग को शिश्न मुंड कहते हैं, लास्ट वाले लिंग के जो लास्ट वाले भाग होते हैं उसको जो है मुंड छद कहते हैं। अब हम उसके बारे में बताएंगे, और सबसे पहले बताएंगे कि नर जनन अंग जो है कब काम करना शुरू कर देते हैं, इसको फिगर में हम तो बताए, परंतु इससे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा नया नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले इसमें कि पुरुष यानी बालक, जब बालक युवा अवस्था में आ जाते हैं तब उसके जनन अंग जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। जब बालक युवा अवस्था में चले आते हैं तो उसके जो ये जनन अंग है ये काम करना शुरू कर देते हैं, और ये युवा अवस्था जो है बालक में 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होते हैं। बालक में जो युवा अवस्था शुरू होते हैं ये 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरू होते हैं, 13 से 14 वर्ष की आयु में शुरू हो जाते हैं, और बालक को इस अवस्था के युवा अवस्था कहते हैं, और इसी युवा अवस्था के समय जो है लिंग हार्मोन निकलना शुरू हो जाते हैं। बालक के शरीर से युवा अवस्था के समय लिंग हार्मोन निकलने लगता है, और जब यह लिंग हार्मोन निकलता है तो उसमें जो है टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन बनता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से जो है बालक के जो है शुक्राणु ये जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कार्य करना शुरू कर देते हैं, और इससे जो है बालक में इस हार्मोन के कारण जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण बालक के शरीर में और कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, अलग लक्षण होते हैं, इस लक्षण को जो है बालक में द्वितीय लक्षण कहते हैं। तो बालक के जो द्वितीय लक्षण आते हैं यानी शरीर में साफ साफ दिखाई देने लगते हैं बालक के द्वितीय लक्षण, उस द्वितीय लक्षण में आते हैं कि बालक को मूछ और दाढ़ी उगना शुरू हो जाते हैं, इसके साथ साथ जो है बालक के सीने और शरीर के अन्य भाग जो है उस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, बाल आने लगते हैं, बालक को जो है लिंग का आकार बड़े होने लगता है। जब बालक युवा अवस्था में चले आते हैं तो ये लिंग जो है इसका आकार जो है इस लिंग का आकार जो है बड़े होने लगता है, और लिंग में जो है शुक्राणु बनने लगता है, इस लिंग में जो है शुक्राणु बनने लगता है, जिसके कारण जो है वह जनन योग्य हो जाते हैं। अब हम फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। अगर ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि हम नया नया वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे।